अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग बेकिंग विद अस। आज मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब बीफ केक, जिसके लिए मैंने लिया है 1 किलो गोश्त, 2 मीडियम प्याज, 2 इंच का अदरक का पीस, 8 से 10 गार्लिक क्यूब्स और मैंने 10-12 हरी वो साबुत लाल मिर्चें ली हैं। यहाँ पे साबुत गरम मसाला लिया है मैंने थोड़ा थोड़ा, 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, 8-10 काली मिर्चें, 2 ये दालचीनी की पीस और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। और यहाँ पे मैंने ये लिया है, ये है कबाब चीनी, मैंने 1/4 टीस्पून लिया है और 1 कप मैंने लिया है चने की दाल जिसको मैंने भिगो दिया है, ये वाला कप मैंने इस्तेमाल किया है। अब चलें हम शुरू करते हैं। अब हमने गोश्त लिया एक पैन में और ये चने की दाल जो हमने भिगो हुई थी ये डालेंगे, 1 कप है। ये इतने सारे मसाले जो हमने रखे थे ये डालेंगे सारा। एक से 1.5 कप हमने पानी डाल दिया। अब इसको ढक्कन ढक के रख देंगे। जब ये हो जाएगा, चने की दाल गल जाएगी, गोश्त गल जाएगा, हमारा इसका पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है प्रेशर कुकर का, मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, 20 मिनट बाद फिर मैं देखूँगी। ये देखें हमारा ये ड्राई हो गया है, चने की दाल वो सब गल गया है। अब इसको हम चॉपर में डाल के चॉपराइज करते हैं। अब इसी चॉपर में हम प्याज 1 बड़ी साइज की, 3 हरी मिर्चें और हरा धनिया आधी गड्ढी और पुदीना डालकर चॉप करेंगे। ये हमारे चॉप्ड हो गए। अब इसको हम निकालते हैं, कबाब के कीमे में मिलाते हैं। अब इसके अंदर 1 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, 2 कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 टीस्पून डाला है मैंने, अपने हस्बैंड लाइक इस्तेमाल कीजिएगा, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 भुना हुआ ज़ीरा, 1 गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री और छोटी इलायची का पाउडर,
टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया। आप उसमें यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और दो अंडे डालेंगे हम, जो हमने फेंट के रखे हुए हैं दो अंडे वो डालेंगे। पहले इसको हम मिक्स कर लेते हैं सही तरह। थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, नमक और डालूंगी। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा स्पाइसी कम हो रहा है। और ये अंडे डाल के हम इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए हमारा रेडी हो गया शामी कबाब का। अब हम इसके पेटी बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे कबाब बन गए हैं, पेटी हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करते हैं। अब इसको फ्राई कर रहे हैं हम, आप चाहे तो उसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। एक साइड से हमारे कबाब हो गए, हमने पलट दिए। अब इस साइड से भी हमारे हो जाएंगे तो फिर हम डिश आउट करेंगे। हमारे कबाब हो गए, अब मैं इसको निकालती हूँ डिश में। ये हमारे रेडी हो गए। आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, रेसिपी पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। आपने मेरी रेसिपी देखी उसके लिए थैंक यू।